हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे स्पॉट करें कि किसी आईफोन की डिस्प्ले ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है या फिर वो किस क्वालिटी की है, ऑलमोस्ट मतलब कॉपी है या फेक है। सो ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आपको कोई सेकेंड हैंड आईफोन बाय करने के लिए आपको जाना है और आप चेक करना चाहते हैं कि क्या जो मैं फ़ोन बाय करने जा रहा हूँ उसकी डिस्प्ले ओरिजिनल है या फिर कॉपी है। सो मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पर पूरी कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। सो बेसिकली गाइस, ऑलमोस्ट मुझे जो है 3 से 4 साल आईफोन्स में खेलते ही, ऑलमोस्ट मतलब आईफोन्स को यूज़ करते हो चुके हैं। सो इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि जस्ट मैं एक झलक से दिखा सकूँ, बता सकूँ कि कौन सी डिस्प्ले ओरिजिनल है और कौन सी फेक है। सो बेसिकली गाइस, अगर आपको भी यही फ़र्क जानना है सो आपको मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आपको बहुत ही सही सही पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है। सो सबसे पहला पॉइंट गाइस, उसकी क्वालिटी। लेकिन गाइस, अगर हम बात करें एप्पल की डिस्प्लेस की, क्वालिटी बहुत ही शानदार लेवल की होती है। यहाँ पर उसके कलर्स आप देख सकते हो बिल्कुल ही विविड, पंची, और ब्राइटनेस इतनी होती है कि आपको कड़कती धूप में भी बड़े आराम से आपकी जो डिस्प्ले है वो विजिबल रहेगी। बड़े आराम से आप देख सकते हो अपने फ़ोन को कड़कती धूप में भी, सनलाइट, हार्श लाइट में भी देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। सेकंड नंबर पर गाइस, उसकी ड्यूरेबिलिटी। यहाँ पर हम जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे, ऑलमोस्ट मतलब इतना भी नहीं कि हम उंगली दसा दें अपनी डिस्प्ले के अंदर, काफ़ी ज़्यादा अगर हम हार्ड प्रेस करेंगे तो भी इस डिस्प्ले को कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गाइस, जब हम डुप्लीकेट डिस्प्ले के ऊपर हार्ड प्रेस करते हैं सो उसके जो अंदर कलर्स हैं वो कह सकते हैं हम डिस्पर्स होने लगते हैं। उसके कलर्स जो हैं उसको फोर्स सेंस होता है, दिखता है कि हम उसका अगर इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगी। लेकिन गाइस, ओरिजिनल डिस्प्लेस की क्वालिटी बहुत ही शानदार किस्म की होती है, उनके जो कलर्स हैं वो डिस्पर्स नहीं होते हैं। आई मीन, उसे जब हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे सो डुप्लीकेट डिस्प्ले में इसके अंदर हार्ड प्रेस जो हो रही होगी वो दिख रही होगी कि उसके कलर्स जो हैं वहाँ से फेड हो जाएंगे या फिर कुछ ऐसा यहाँ पर आपको महसूस होगा, वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा डुप्लीकेट डिस्प्ले के ऊपर कि ये डिस्प्ले की क्या हालत हो रही है। सो आई होप कि मैं आपको दिखा सकूँ डुप्लीकेट डिस्प्ले, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी फ़ोन नहीं है होप सो कि मेरे जिसके ऊपर डुप्लीकेट डिस्प्ले हो। सेकेंडली गाइज, ये तो होगी कि एक तरह से एक्सपीरियंस वाला बंदा ये बता सकता है कि ड्यूरेबिलिटी और कलर्स को, लेकिन अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कैसे चेक करोगे? सो उसके लिए गाइज, मैं आपको दो बहुत ही मेन पॉइंट्स बताऊँगा। अगर आप ट्रू टोन को जाकर चेक करते हो कि अगर ट्रू टोन है तो वो डुप्लीकेट डिस्प्ले नहीं है सो आप गलत हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको करना, क्योंकि गाइस ट्रू टोन जो है वो डुप्लीकेट डिस्प्ले के ऊपर कॉपी हो जाता है। सो इस चीज़ का बहुत ही खास ध्यान रख लो कि ट्रू टोन से आपको जज नहीं करना है कि वो डिस्प्ले ओरिजिनल है या फिर कॉपी है। अब बात करते हैं, ये जो मैंने डिस्प्ले मेरे आईफोन 10 के ऊपर है ये गाइस ओरिजिनल है, लेकिन ये आफ्टर मार्केट नहीं है, लेकिन मतलब एप्पल की है, लेकिन एप्पल से ये इंस्टॉल नहीं करवाएगी, ये मैंने खुद इंस्टॉल की है, इसके ऊपर डिस्प्ले पैनल खुद फिट किया है। मेरी जो आईफोन की डिस्प्ले थी वो टूट चुकी थी, लेट मी शो यू, मेरे पास फ़ोटो हो सकती है, जस्ट होल्ड ऑन, मे बी मुझे वो फ़ोटो मिल जाए मेरे फ़ोन में। और गाइस, यहाँ पर मेरा जो फ़ोन है वो टूट चुका था, लेकिन गाइस मैंने जो है अपनी डिस्प्ले, आप देख सकते हो ये हाल हुआ था मेरे फ़ोन का, यहाँ से भी क्रैक थी, यहाँ पर ब्लैक धब्बा आ गया था और ऊपर से फुली कम्प्लीटली क्रैक थी। यहाँ पर मैंने खुद रिप्लेस की है और मैंने जो है एक सेकेंड हैंड आईफोन, जैसे मान लो कि सेकंड हैंड डिस्प्ले परचेज़ की है, वो आईफोन लॉक्ड था, जैसे कि आईक्लाउड लॉक्ड फ़ोन होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर इसके अंदर डॉट है और इस फ़ोन को ऑलमोस्ट जो है मेरे पास कम से कम तो 2 साल हो गए हैं और ये जो है 2 साल से डॉट यहीं का यहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे जस्ट डॉट का डॉट है। और गाइज, ये फ़ोन की जो मैंने डिस्प्ले थी मेरे पास वो अवेलेबल थी, मैंने क्या किया, जस्ट उससे ट्रू टोन कॉपी करने वाला एक डिवाइस होता है उस डिस्प्ले को कनेक्ट किया, वहाँ पर ट्रू टोन उस डिवाइस से उसके सीरियल नंबर उस डिस्प्ले के कॉपी किए और ये डिस्प्ले उस डिवाइस पर कनेक्ट की और फिर वो जो सीरियल नंबर थे वो मैं इस डिवाइस, इस डिस्प्ले पर पेस्ट कर दिए। अगर आपको नहीं पता और आप मार्केट से करवा सकते हैं, इंडिया में या फिर कहीं पर भी मार्केट पर ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी आपको मार्केट में। तो आपको जो है डिस्प्ले पे अगर आप कॉपी करवाना चाहते हैं ट्रू टोन के लिए सो आप करवा सकते हैं। सो मतलब कि ये है कि ये मेरी जो डिस्प्ले है ये इस ओरिजिनल फ़ोन की, ये फ़ोन की नहीं है, ये डिस्प्ले ओरिजिनल है टोटली 100%, लेकिन इस फ़ोन की नहीं है, किसी और फ़ोन की है तो भी ट्रू टोन चल रहा है, क्योंकि मैंने इसका ट्रू टोन जो सीरियल नंबर होते हैं वो कॉपी करवाए हैं इस डिस्प्ले के ऊपर। सो आप इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ना रहें कि जो डिस्प्ले ओरिजिनल है उसके अंदर ट्रू टोन होगा। सो गाइज, अब बात करते हैं जो दो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स हैं। सबसे पहले फ़ोन को लॉक करो, अपने फ़ोन को जो है डार्क मोड की बजाय
लाइट मोड मतलब वाइट मोड के ऊपर डार्क मोड से हटा दो। और अब गाइज आपको जो है इसके राउंडनेस चेक करनी है कि ये डिस्प्ले नीचे से कितनी राउंड आ रही है, मोर ओवर इसके बेजल्स कितने हैं। आपको जो है इन चीज़ों से डिस्प्ले का फ़र्क पता चलेगा। सबसे पहला पॉइंट ये है क्योंकि जो डुप्लीकेट डिस्प्ले है, मेरे पास एक और आईफोन 10 था और उसकी जो डिस्प्ले है वो GX क्वालिटी की मैंने खुद इंस्टॉल की थी। उसकी जो डिस्प्ले है वो गाइस नीचे से इतनी राउंड नहीं है, इतनी स्मूथली राउंड नहीं आती है जितनी कि एप्पल की ओरिजिनल है। आपको ये चीज़ चेक करनी है। मोर ओवर आपको जो है नोटिफिकेशन पैनल पर जाना है। जैसे कि आप देख सकते हो आपको ये जो है टॉर्च का आइकन जो है टॉर्च ऑन करनी है। गाइस एप्पल की ओरिजिनल डिस्प्ले में हर बार आपको टॉर्च ऑन हो जाएगी जब आप इसके ऊपर लाइवली प्रेस करोगे। अगर आप सिंगल टाइम प्रेस करोगे, थोड़ा सा जस्ट नॉर्मल टच करोगे, तो आप देख सकते हैं हर बार मुझे वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है कि मेरे टच हुआ है। लेकिन एप्पल का सॉफ्टवेयर जो है इसे लाइवली प्रेस करने के लिए फिर फ्लैश ऑन करता है, क्योंकि यहाँ पर एप्पल का सॉफ्टवेयर ही कुछ इस तरीके का है। सो गाइज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एप्पल की जो ओरिजिनल डिस्प्ले है उसके ऊपर 99.9% आपका ये जो टास्क है वो परफॉर्म हो जाएगा, मतलब फ्लैश ऑन हो जाएगी। लेकिन जो डुप्लीकेट डिस्प्ले है ना उसके ऊपर आपको बहुत ही किसी ढंग से प्रेस करना पड़ेगा तो वो आपकी फ्लैश ऑन होगी, चाहे आप हार्ड प्रेस करो चाहे आप थोड़ा स्लो लाइट सा प्रेस करो। सो डुप्लीकेट डिस्प्ले का और ओरिजिनल डिस्प्ले का ये बहुत ज़्यादा बढ़िया फ़र्क है, चाहे वो GX क्वालिटी की है, चाहे कितने सही लेवल की क्वालिटी की डुप्लीकेट डिस्प्ले बनाई हो, लेकिन एप्पल के डिस्प्ले में और डुप्लीकेट डिस्प्ले में आपको ये फ़र्क देखने को हमेशा मिलेगा। और बाकी गाइज इतनी सही क्वालिटी की डुप्लीकेट डिस्प्ले आ गई हैं, OLED पैनल्स आ गए हैं कि कलर्स का आपको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इन दो पॉइंट्स के ऊपर मैं 110% श्योर हूँ कि आप इन दो पॉइंट्स के ऊपर अपने डिस्प्ले को जज कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या फिर नहीं। आई होप गाइज आपको ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है पसंद आई होगी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी और इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है या फिर आपको कोई डाउट है अपने डिवाइस के रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके कोई भी सवाल पूछ लो या फिर कॉमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ लो। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। नई वीडियो आते ही आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है जिससे आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए नई वीडियो की। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू सो मच।